दोस्तों धनतेरस दिवाली के दिन इसे लाना ना भूलना, जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा देगा। दोस्तों 2022 में जो धनतेरस और दिवाली पड़ रही है वह बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इस दिन भगवान शनिदेव भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मां लक्ष्मी जी का भी कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन है। क्योंकि धनतेरस शनिवार के दिन पड़ रही है और दिवाली का पावन पर्व सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का है, इनको समर्पित है, और शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को। तो धनतेरस शनिवार के दिन यानी कि धनतेरस का पर्व 22 अक्टूबर को और दिवाली का जो पावन पर्व है यह 24 अक्टूबर दिन सोमवार को पड़ रहा है, मां लक्ष्मी जी के लिए और मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का यह दिवाली के दिन और धनतेरस का दिन सबसे अच्छा और खास दिन होता है। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर, धनवंतरी जी धन प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय, और यह समय बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको आप अगर अपने घर पर रखते हैं, आज के दिन घर में स्थापित करते हैं, दिवाली के दिन किसी भी टाइम पर कर सकते हैं। यह चीज़ करके पूजा स्थान पर पूजा करने के बाद अगर धन पेटी में रखेंगे तो आपका घर हमेशा धन दान से भरा रहेगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि मां लक्ष्मी जी को आकर्षित करते हैं। पहले नंबर पर तांबे के कमल में बैठी मूर्ति या कमल में बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति, यह दिवाली के दिन घर में लाकर अवश्य स्थापित करें। बैठी हुई मुद्रा में माता लक्ष्मी जी होनी चाहिए और मां लक्ष्मी जी एक हाथ से धन वर्षा कर रही हों। मां लक्ष्मी हमारे घर में धन की बढ़ोतरी करती हैं। ऐसे में दिवाली के दिन एक मिट्टी का कलश लेना, उसे चावल से भर देना, चावल पर 1 रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ डाल करके आपको ढक्कन लगा देना है, फिर किसी भी योग्य ब्राह्मण को आप उसे दे सकते हैं। इससे अचानक धन मिलता है, कर्ज का भार उतर जाता है। तीसरा प्रयोग करें, अगर आपको सफलता चाहिए देवी मां लक्ष्मी जी को आप कौड़ी जरूर अर्पित करें, कौड़ी बाजार से लेकर आएं और अपने घर में पूजा स्थान पर स्थापित कर दें, मां को अर्पित कर दें, मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। दीपावली और धनतेरस के दिन आप चाहें तो इस दिन आप कमल गट्टे की माला भी लेकर आएं और माता को आप अर्पित कर दें। कमल गट्टे की बीज की माला लेकर आएं, अगर माला ना मिले तो आप बीज लेकर आएं और माला बनाकर उसको आप अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं, जय माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। धनतेरस पर दिवाली के दिन केले के पेड़ पर हल्दी का टीका लक्ष्मी जी का दिव्य शक्ति के लिए कृपा प्राप्त करने का अच्छा दिन मनाता है। आप क्या करें कि धनतेरस और दिवाली के दिन केले के पेड़ की जड़ थोड़ी सी आप निकाल लें और उसे अच्छी तरह से पानी से धो लें और फिर इसे आप लाकर लक्ष्मी जी के सामने रख दें तो अपार धन संपत्ति वर्षा होगी। इस दिन बेल वृक्ष की पूजा भी करें तो माँ लक्ष्मी जी अपार धन संपदा की वर्षा करती हैं। अगला उपाय करें, आपको लक्ष्मी जी से संबंधित जो भी परेशानी है, धन संबंधित जो भी परेशानी है, उसे दूर करने के लिए आप 2 चूड़ियां लें और माता लक्ष्मी जी के चरणों में उन्हें चढ़ा दें। दोस्तों ध्यान रखें कि 1 चूड़ी हरी होनी चाहिए और 1 लाल चूड़ी होनी चाहिए। दिवाली और धनतेरस के दिन घर में इन चूड़ियों को रखकर आप जो है अपने घर के किसी भी धन की जगह पर रख दें। दोस्तों इससे घर में धन की बढ़ोतरी होती है। अब आइए जानते हैं ऐसे कौन से जड़ें जिससे घर में लाकर ऑफिस में स्थापित करें। तो जैसे कि हमने पहले ही कहा कि अगर आप धन से भरा हुआ अपना घर चाहते हैं, आपको हर प्रकार से लाभ हो, तो आप पहले केले का जड़ के लिए आप जरूर लेकर आएं और हो सके तो आप सीताफल की जड़ भी लेकर आएं। दोस्तों ये दोनों ही ऐसी जड़ें जिसे अगर आप घर में लाकर स्थापित करते हैं तो विशेष लाभ होगा, और तुलसी की जड़ भी जरूर लेकर आएं। तुलसी की जड़ के बाद फिर बेल का वृक्ष का जो जड़ होता है उसकी जड़ भी लेकर आएं तो अन्य धन में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों केले का पेड़ भगवान विष्णु का स्वरूप है और माँ लक्ष्मी जी इनकी पत्नी है, तो केले का अगर आप जड़ लेकर आते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दें, जिससे कि माता रानी आपकी हर मनोकामना जल्दी पूरी करें।